आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आपसे बात हुई थी कि आपको मैं ख्वाब में किसी के यहाँ से चले जाने के बाद वसीयत फरमाने के ज़मन में एक वाक़या सुनाऊँगा। हज़रत साबित इब्न क़ैस इब्न शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी, वो ख़ुद फरमाती हैं कि जंगे यमामा का दिन था, मेरे वालिद हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ निकले। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने हुए तो साबित इब्न क़ैस इब्न शम्मास और सालिम जो मौला अबी हुज़ैफ़ा हैं, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की माईयत में इस तरह जंग नहीं लड़े थे। फिर एक ने अपने लिए गड़ा खोद लिया और इसमें खड़े होकर दोनों ने साबित कदमी के साथ जिहाद किया, यहाँ तक कि दोनों शहीद हो गए। और उस दिन हजरत साबित के बदन पर एक नफीस ज़िरा थी। मुसलमानों से एक आदमी इनके पास से गुजरा तो उसने ज़िरा उतार ली। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मुसलमान को जब वो सो रहा था ख्वाब में मिले और फरमाया, मैं तुझको एक वसीयत कर रहा हूँ, इस बात से डर कि तू इसको महज ख्वाब कहे और ज़ाया कर दे। जब मैं गुज़िश्ता दिन शहीद हो गया तो मेरे पास से एक आदमी गुज़रा, उसने मेरी ज़िरा उतार ली। इस आदमी का घर आबादी के आखिर में और इसके खेमे के पास एक घोड़ा अपनी रस्सी के साथ बंधा हुआ चल रहा है। इस शख्स ने ज़िरा के ऊपर हंडिया उलट रखी हुई है और हंडिया के ऊपर पालान रखा हुआ है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करो कि मेरी ज़िरा के लिए आदमी भेजकर उसे वसूल फरमा लें। और जब मदीने में खलीफतुर रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हों तो उनसे अर्ज़ करना कि मुझ पर इतना कर्ज़ है, उसे उतारा जाए और मेरे ग़ुलामों में फ़लाँ फ़लाँ ग़ुलाम आज़ाद है। वो शख्स हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम पहुँचाया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आदमी भेजे और ज़िरा मंगवाई और सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर हज़रत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरख्वास्त पेश की तो आपने उनकी वसीयत को नाफिस कर दिया। तो इस रिवायत से देखना भी साबित हुआ कि ख्वाब में देखा कि हज़रत साबित ने उस शख्स को ज़िरा उतारते हुए देखा कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी ने मुझे देखा। यानी कि ये एक ऐसी बात है जिसको अगर आप सोचें कि हज़रत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल फरमा चुके थे, शहीद हो चुके थे, और ज़िरा उतारने वाले ने उनकी ज़िरा उनकी शहादत के बाद उतारी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें वो इल्म दिया, तो उससे उलमा ने कहा है कि ज़िरा उतारते हुए उस शख्स को उनका देखना और ये भी अल्लाह ताला के फजलो करम से पता होना कि उसकी जगह कहाँ है और किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में उसने मेरी ज़िरा को रखा है, उस पर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और ये बात जाकर किसको बताना, और मुझ पर कितना कर्ज है, और मेरे कौन कौन से ग़ुलाम जो हैं उनको आज़ाद करना। ये तमाम तफसीलात वो ऐसे जैसा कि हम और आप बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस ख्वाब को सुनने के बाद उस पर एतमाद करना, ये भी सहाबा कराम का एक हमें बताता है कि उनका उनके यहाँ ये मसला किस तरह था। तो उन्होंने इस ख्वाब को सिर्फ ख्वाब समझ के साइड पर नहीं रखा, उन्होंने इस ख्वाब को एतमाद किया पे रखते हुए एक आदमी भेज के ज़िरा वापस ली। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाकर ये तमाम बात रखी और सिद्दीक़ अकबर ने भी ये नहीं कहा कि भाई ये तो ख्वाब की बात थी, नहीं, आपने उस वसीयत को नाफिस किया। तो ये तमाम मामला शुहदा के इल्म व शऊर पर रोशन दलील है। और फिर इन हज़रात का शुहदा की हयात के मुतालिक अकीदा भी वाज़ह होता है। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत वाकया है। अल्लाह अकबर, ये वाकया जो है अर्रूह में मौजूद है, सफ़ा 23-24 और कुतुब में भी होगा। मेरे ख्याल से मैं पहले भी आपके साथ ये वाकया शेयर कर चुका हूँ, लेकिन शायद इस ज़मन में शेयर नहीं किया होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन या रब्बल आलमीन।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान करीम की तिलावत को अपने मामूल में शामिल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।